सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम राजधर्मानुशासन पर्व। शत्रु को वश में करने के लिए राजा को किस नीति से काम लेना चाहिए और दुष्टों को कैसे पहचानना चाहिए, इसके विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह पृथ्वीपते, जिसका पक्ष प्रबल और महान हो, वो शत्रु यदि कोमल स्वभाव का हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और यदि तो उसके साथ पहले किस तरह का बर्ताव करना राजा के लिए उचित है, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है, शत्रु वीरों का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। इंद्र बोले, ब्राह्मण, तो अपने शत्रुओं के प्रति कैसा बर्ताव करूं, उन सबका समूलोच्छेद किए बिना ही उन्हें किस उपाय से वश में करूं। दो सेनाओं में परस्पर भिड़ंत हो जाने पर विजय दोनों पक्षों के लिए साधारण सी वस्तु हो जाती है, अतः मुझे क्या करना चाहिए जिससे शत्रुओं को संताप देने वाली ये समुज्ज्वल राज्य लक्ष्मी मुझे कभी न छोड़े। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्म अर्थ में कुशल प्रतिभाशाली तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले बृहस्पति ने इंद्र को इस प्रकार उत्तर दिया। बृहस्पति बोले, राजन, कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं को वश में करने की इच्छा ना करे। असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना दुखों द्वारा सेवित मार्ग है। शत्रु के वध की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वो क्रोध, भय और हर्ष को अपने मन में ही रोक ले तथा शत्रु को सावधान न करे। भीतर से विश्वास न करते हुए भी बाहर से विश्वस्त पुरुष की भांति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए शत्रु की सेवा करे। सदा उससे प्रिय वचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे, वैर से अलग रहे, पीड़ा देने वाले वाद विवाद को त्याग दे, जैसे व्याध अपने कार्य में सावधानी के साथ संलग्न हो, पक्षियों को फंसाने के लिए उन्हीं के समान बोली बोलता है और मौका पाकर उन पक्षियों को वश में कर लेता है, उसी प्रकार उद्योगशील राजा धीरे धीरे शत्रुओं को वश में कर ले, तत्पश्चात उन्हें मार डाले। इंद्र, जो सदा शत्रुओं का तिरस्कार ही करता है, वो सुख से सोने नहीं पाता। वो दुष्टात्मा नरेश बांस और घास फूस में प्रज्वलित हो चट चट शब्द करने वाली आग के समान सदा ही जागता रहता है। प्रभो, जब युद्ध में विजय एक सामान्य वस्तु है, तब उसके लिए पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु शत्रु को अच्छी तरह विश्वास दिलाकर मनसूबे को नष्ट कर देना चाहिए। शत्रु के द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना की जाने पर भी राजा अपने मन में हिम्मत ना हारे। वो मंत्रियों सहित मंत्रवेत्ता महापुरुषों के साथ कर्तव्य का निश्चय करके समय आने पर जब शत्रु की स्थिति कुछ डामाडोल हो जाए तब उस पर प्रहार करे और विश्वास पात्र पुरुषों को भेजकर उनके द्वारा शत्रु की सेना में फूट डलवा दे। राजा शत्रु के राज्य की आदि, मध्य और अंतिम सीमा को जानकर गुप्त रूप से मंत्रियों के साथ बैठकर अपने कर्तव्य का निश्चय कर तथा शत्रु की सेना की संख्या कितनी है इसको अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें फूट डलवाने की चेष्टा करे। राजा को चाहिए कि वो दूर रहकर गुप्तचरों द्वारा शत्रु की सेना में मतभेद पैदा करे, घूस देकर
लोगों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करे अथवा उनके ऊपर विभिन्न औषधों का प्रयोग करे, परंतु किसी तरह भी शत्रुओं के साथ प्रकट रूप से साक्षात संबंध स्थापित करने की इच्छा ना करे। अनुकूल अवसर पाने के लिए कालक्षेप ही करता रहे, उसके लिए दीर्घ काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे, जिससे शत्रुओं को भली भांति विश्वास हो जाए, तदनंतर मौका पाकर उन्हें मार ही डाले। राजा शत्रुओं पर तत्काल आक्रमण ना करे, अवश्यंभावी विजय के उपाय पर विचार करे, ना तो उस पर विष का प्रयोग करे और ना उसे कठोर वचनों द्वारा ही घायल करे। देवेंद्र, जो शत्रु को मारना चाहता है उस पुरुष के लिए बारंबार मौका हाथ में नहीं लगता, अतः जब कभी अवसर मिल जाए उस समय उस पर अवश्य प्रहार करे। समय की प्रतीक्षा करने वाले पुरुष के लिए जो उपयुक्त अवसर आकर भी चला जाता है, वो अभीष्ट कार्य करने की इच्छा वाले उस पुरुष के लिए फिर दुर्लभ हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर अपने बल को सदा बढ़ाता रहे। जब तक अनुकूल अवसर ना आए तब तक अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं और शत्रु को भी पीड़ा ना दे, परंतु अवसर आ जाए तो शत्रु पर प्रहार करने से न चूके। काम, क्रोध तथा अहंकार को त्याग कर सावधानी के साथ बारंबार शत्रुओं के छिद्रों को देखता रहे। सुरश्रेष्ठ इंद्र कोमलता, दंड, आलस्य, असावधानी और शत्रुओं द्वारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया, ये अनभिज्ञ राजा को बड़े कष्ट में डाल देती है। कोमलता, दंड, आलस्य और प्रमाद, इन चारों को नष्ट करके शत्रु की माया का भी प्रतिकार करें। तत्पश्चात वो बिना विचारे शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। राजा अकेला ही जिस गुप्त कार्य को कर सके उसे अवश्य कर डाले, क्योंकि मंत्री लोग कभी कभी गुप्त विषय को प्रकाशित कर देते हैं और नहीं तो आपस में ही एक दूसरे को सुना देते हैं। जो कार्य अकेले करना असंभव हो जाए उसी के लिए दूसरे के साथ बैठकर विचार विमर्श करे। यदि शत्रु दूरस्थ होने के कारण दृष्टिगोचर ना हो तो उस पर ब्रह्म दंड प्रयोग करे, और यदि शत्रु निकटवर्ती होने के कारण दृष्टिगोचर हो तो उस पर चतुरंगिणी सेना भेजकर आक्रमण करे। राजा शत्रु के प्रति पहले भेद नीति का प्रयोग करे, तत्पश्चात वो उपयुक्त अवसर आने पर भिन्न भिन्न शत्रु के प्रति भिन्न भिन्न समय में चुपचाप दंड नीति का प्रयोग करे। यदि बलवान शत्रु से पाला पड़ जाए और समय उसी के अनुकूल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाए, और जब वो शत्रु असावधान हो तब स्वयं सावधान और उद्योगशील होकर उसके वध के उपाय का अन्वेषण करे। राजा को चाहिए कि वो मस्तक झुकाकर, दान देकर तथा मीठे वचन बोलकर शत्रु का भी मित्र के समान ही सेवन करे। उसके मन में कभी संदेह ना उत्पन्न होने दे। जिन शत्रुओं के मन में संदेह उत्पन्न हो गया हो उनके निकटवर्ती स्थानों में रहना या आना जाना सदा के लिए त्याग दे। राजा उन पर कभी विश्वास ना करे, क्योंकि इस जगत में उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिग्रस्त हुए शत्रुगण सदा बदला लेने के लिए सजग रहते हैं। देवेश्वर, सुरश्रेष्ठ, नाना प्रकार के व्यवहार चतुर लोगों के ऐश्वर्य पर शासन करना जितना कठिन काम है उससे बढ़कर दुष्कर कर्म दूसरा कोई नहीं है। वैसे भिन्न भिन्न व्यवहार चतुर लोगों के ऐश्वर्य पर भी शासन करना तभी संभव बताया गया है जबकि राजा मनोयोग का आश्रय ले, सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहे और कौन मित्र है तथा कौन शत्रु इसका विचार करता रहे। मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं और अत्यंत कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते हैं। अतः तुम ना कठोर बनो ना कोमल, समय समय पर कठोरता भी धारण करो और कोमल भी हो जाओ। जैसे जल का प्रवाह बड़े वेग से बह रहा हो और सब ओर जल ही जल फैल रहा हो, उस समय नदी तट के विदीर्ण होकर गिर जाने का भय बना रहता है।
उसी प्रकार यदि राजा सावधान ना रहे तो उसके राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। पुरंदर, बहुत से शत्रुओं पर एक ही साथ आक्रमण नहीं करना चाहिए। साम, दाम, भेद और दंड के द्वारा इन शत्रुओं में से एक एक को बारी बारी से कुचलकर शेष बचे हुए शत्रु को पीस डालने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयत्न आरंभ करो। बुद्धिमान राजा शक्तिशाली होने पर भी सब शत्रुओं को कुचलने का कार्य एक ही साथ आरंभ ना करें। जब हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई और बहुत से पैदलों तथा यंत्रों से संपन्न 6 अंगों वाली विशाल सेना स्वामी के प्रति अनुरक्त हो, जब शत्रु की अपेक्षा अपनी अनेक प्रकार से उन्नति होती जान पड़े, उस समय राजा दूसरा कोई विचार मन में ना लाकर प्रकट रूप से डाकू और लुटेरों पर प्रहार आरंभ कर दे। शत्रु के प्रति साम नीति का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि गुप्त रूप से दंड नीति का प्रयोग ही श्रेष्ठ समझा जाता है। शत्रुओं के प्रति ना तो कोमलता और ना उन पर आक्रमण करना ही सदा ठीक माना जाता है। उनकी खेती को चौपट करना तथा वहां के जल आदि में विष मिला देना भी अच्छा नहीं है। इसके सिवा 7 प्रकृतियों पर विचार करना भी उपयोगी नहीं है। राजा विश्वस्त मनुष्यों द्वारा शत्रु के नगर और राज्य में नाना प्रकार के छल और परस्पर वैर विरोध की सृष्टि कर दे। इसी प्रकार छद्म वेश में वहां अपने गुप्तचर नियुक्त कर दे, परंतु अपने यश की रक्षा के लिए वहां अपनी ओर से चोरी या गुप्त हत्या आदि कोई पाप कर्म न होने दे। बल और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा लोग पहले इन शत्रुओं के नगरों में विधि पूर्वक व्यवहार में लाई हुई नीति का प्रयोग करके दिखावें। इस प्रकार उनके अनुकूल व्यवहार करके वो उनकी राजधानी में सारे भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। देवराज, राजा अपने ही आदमियों के विषय में ये प्रचार कर देते हैं कि ये लोग दोष से दूषित हो गए हैं, अतः मैंने इन दुष्टों को राज्य से बाहर निकाल दिया है, ये दूसरे देश में चले गए हैं। ऐसा करके उन्हें वो शत्रुओं के राज्यों और नगरों का भेद लेने के कार्य में नियुक्त कर देते हैं। ऊपर से तो वो उनकी सारी भोग सामग्री छीन लेते हैं, परंतु गुप्त रूप से उन्हें प्रचुर धन अर्पित करके उनके साथ कुछ अन्य आत्मीय जनों को भी लगा देते हैं। इसी तरह अन्यान्य शास्त्रज्ञ, शास्त्रीय विधि के ज्ञाता, सुशिक्षित तथा भाष्य कथा विशारद विद्वानों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके उनके द्वारा शत्रुओं पर कृत्या का प्रयोग करावे। इंद्र ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, दुष्ट के कौन कौन से लक्षण हैं? मैं दुष्ट को कैसे पहचानूं? मेरे इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, जो परोक्ष में किसी व्यक्ति के दोष ही दोष बताता है, उसके सद्गुणों में भी दोषारोपण करता रहता है, और यदि दूसरे लोग उसके गुणों का वर्णन करते हैं तो जो मुंह फेर कर चुप बैठ जाता है वही दुष्ट माना जाता है। चुप बैठने पर भी उस व्यक्ति की दुष्टता को इस प्रकार जाना जा सकता है, निःश्वास छोड़ने का कोई कारण ना होने पर भी जो किसी के गुणों का वर्णन होते समय लंबी लंबी सांसें छोड़े, ओंठ चबाए और सिर हिलाए, वो दुष्ट है। जो बारंबार आकर संसर्ग स्थापित करता है, दूर जाने पर दोष बताता है, कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करके भी आंख से ओझल होने पर उस कार्य को नहीं करता है, और आंख के सामने होने पर भी कोई बातचीत नहीं करता, उसके मन में भी दुष्टता भरी है, ऐसा जानना चाहिए। जो कहीं से आकर साथ नहीं अलग बैठकर खाता है और कहता है आज का जैसा भोजन चाहिए वैसा नहीं बना, इस प्रकार बैठने, सोने और चलने फिरने आदि में दुष्ट व्यक्ति के दुष्टतापूर्ण भाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। यदि मित्र के पीड़ित होने पर
किसी को स्वयं भी पीड़ा होती हो और मित्र के प्रसन्न रहने पर उसके मन में भी प्रसन्नता छाई रहती हो, तो यही मित्र के लक्षण हैं। इसके विपरीत जो किसी को पीड़ित देखकर प्रसन्न होता है और प्रसन्न देखकर पीड़ा का अनुभव करता है, तो समझना चाहिए कि ये शत्रु के लक्षण हैं। देवेश्वर, इस प्रकार जो मनुष्यों के लक्षण बताए गए हैं उनको समझना चाहिए। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव अत्यंत प्रबल होता है। सुरश्रेष्ठ, देवेश्वर, शास्त्र के सिद्धांत का यथावत रूप से विचार करके ये मैंने तुमसे दुष्ट पुरुष की पहचान कराने वाले लक्षण बताए हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शत्रुओं के संहार में तत्पर रहने वाले शत्रुनाशक इंद्र ने बृहस्पति जी का वो यथार्थ वचन सुनकर वैसा ही किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर विजय के लिए यात्रा की और समस्त शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। 104वां अध्याय राज्य, खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय क्षेमदर्शी राजा के प्रति कालक वृक्षीय मुनि का वैराग्यपूर्ण उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन ना पा सके, उस अवस्था में यदि मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी ना रह जाए, तो सुख चाहने वाले उस राजा को कैसे काम चलाना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ये क्षेमदर्शी का इतिहास जगत में बार बार कहा जाता है, उसी को मैं तुमसे कहूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो। हमने सुना है कि प्राचीन काल में एक बार कोसल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सारी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वो कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने उस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजा ने इस प्रकार प्रश्न किया, ब्राह्मण, मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बार बार उद्योग करने पर भी यदि राज्य ना पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? साधु शिरोमणे, आत्मघात करने, दीनता दिखाने, दूसरों की शरण में जाने तथा इसी तरह के और भी नीच कर्म करने की बात छोड़कर दूसरा कोई उपाय हो तो मुझे बताएं। जो मानसिक अथवा शारीरिक रोग से पीड़ित है, ऐसे मनुष्य को आप जैसे धर्मज्ञ और कृतज्ञ महात्मा ही शरण देने वाले होते हैं। मनुष्य को जब कभी विषय भोगों से वैराग्य होता है, तब विरक्त होने पर वो हर्ष और शोक को त्याग देता है तथा ज्ञानमय धन पाकर नित्य सुख का अनुभव करने लगता है। जिनके सुख का आधार धन है, अर्थात जो धन से ही सुख मानते हैं, उन मनुष्यों के लिए मैं निरंतर शोक करता हूं, क्योंकि मेरे पास धन बहुत था, परंतु वो सब सपने में मिली हुई संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी विशाल संपत्ति को त्याग देते हैं, वो अत्यंत दुष्कर कार्य करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो भी मैं उसका मोह नहीं छोड़ पाता हूं। ब्राह्मण, मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त होकर इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूं। इस जगत में धन के अतिरिक्त जो सुख हो, उसी का मुझे उपदेश कीजिए। बुद्धिमान कोसल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी कालक वृक्षीय मुनि ने इस तरह उत्तर दिया। मुनि बोले, राजकुमार, तुम समझदार हो, अतः तुम्हें पहले से ही अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा ही निश्चय कर लेना उचित था। इस जगत में
मैं और मेरा कहकर जो कुछ भी समझा या ग्रहण किया जाता है वो सब अनित्य ही है। तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि ये है, वो सब पहले से ही समझ लो कि नहीं है। ऐसा समझने वाला विद्वान पुरुष कठिन से कठिन विपत्ति में पड़ने पर भी व्यथित नहीं होता। जो वस्तु पहले थी और होगी, वो सब ना तो थी और ना होगी ही। इस प्रकार जाने योग्य तत्व को जान लेने पर तुम संपूर्ण अधर्मों से छुटकारा पा जाओगे। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधीन रह चुकी है तथा जो एक के बाद एक दूसरे की होती आई है, वो सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को भली भांति समझ लेने पर किसको बारंबार चिंता होगी? ये राजलक्ष्मी होकर भी नहीं रहती और जिनके पास नहीं होती उनके पास आ जाती है, परंतु शोक की सामर्थ्य नहीं है कि वो गई हुई संपत्ति को लौटा लावे। अतः किसी तरह भी शोक नहीं करना चाहिए। राजन, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए? आज ना तो तुम उन्हें देखते हो और ना वो तुम्हें देख पाते हैं। ये शरीर अनित्य है। इस बात को तुम देखते और समझते हो, फिर भी उन पूर्वजों के लिए क्यों निरंतर शोक करते हो? जरा बुद्धि लगाकर विचार तो करो, निश्चय ही एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। नरेश्वर, मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, ये सब लोग एक दिन नहीं रहेंगे। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस समय जो 20 या 30 वर्ष की अवस्था वाले मनुष्य हैं, ये सभी 100 वर्ष के पहले ही मर जाएंगे। ऐसी दशा में यदि मनुष्य बहुत बड़ी संपत्ति से ना बिछुड़ जाए तो भी उसे ये मेरा नहीं है ऐसा समझकर अपना कल्याण अवश्य करना चाहिए। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली है, उसे यही माने कि वो मेरी नहीं है, तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो उसके विषय में भी यही भाव रखें कि वो मेरी नहीं थी। जो ऐसा मानते हैं कि प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वो ही विद्वान हैं और उन्हें सत्पुरुषों का आश्रय कहा गया है। जो धनाढ्य नहीं है, वो भी तो जीते हैं और कोई राज्य का शासन भी करते हैं। उनमें से कुछ तुम्हारे समान ही बुद्धि और पौरुष से संपन्न हैं तथा कुछ तुमसे बढ़कर भी हो सकते हैं, परंतु वो भी तुम्हारी तरह शोक नहीं करते। अतः तुम भी शोक ना करो। क्या तुम बुद्धि और पुरुषार्थ में उन मनुष्यों से श्रेष्ठ या उनके समान नहीं हो? यथार्थ मोक्ष।